शोबे उर्दू की इस पहली अलमनी मीट में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। रईस जामिया ग्रामी कदर प्रोफेसर नीलोफर खान साहिबा का मैं अपनी जानिब से और शोबे उर्दू की जानिब से दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आपको ये शर्फ हासिल है कि आप कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली खातून वाइस चांसलर हैं। न सिर्फ पहली खातून वाइस चांसलर बल्कि उससे पहले पहली खातून DSW, पहली खातून DC-DC और पहली खातून रजिस्ट्रार, तो हमारे लिए बासी मसरत है कि वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाएं। आपकी इल्म दोस्ती और इंतज़ामी सलाहियतों का हर शख्स मोतरफ है। मैडम, आपने अपने मसरूफ़ अवकात में हमारे लिए वक्त निकाला, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ अपने उस्तादों प्रोफेसर जमान आज़ुद्दीन साहब, प्रोफेसर मलिक साहब, प्रोफेसर शफक सुपुरी साहब और उन तमाम जी इज़्ज़त अफराद का जो यहाँ तशरीफ़ फरमाते हैं, जिनके दम से न सिर्फ जम्मू और कश्मीर बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में उर्दू ज़बान व अदब की आन व शान कायम है। शोबे उर्दू को ये इम्तियाज़ हासिल है कि इसने हमारी तहजीबी व सकाफती ज़बान उर्दू के फ़रोग में अहम रोल अदा किया है। इस शोबे ने समाज को जईद आलिम, दानिश्वर, शायर, कलमकार, सहाफ़ी, असातिज़ा और तुजार बहम किए हैं। ये बात बायस मसरत है कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में शोबे उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी में हो रहे तहकीकी काम को कदर की निगाह से देखा जाता है। कई उतार चढ़ाव देखने के बावजूद भी शोबे उर्दू में तहकीक का मयार काफ़ी बुलंद है। हमारे शोबों में आर्ट्स फैकल्टी के तहत शोबों में सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें MA के लिए हासिल होती हैं। ये उर्दू का वाहिद शोबा है जहाँ तालिब इल्म पेमेंट सीट्स के ज़ुमरे में भी दाखिले लेते हैं, मेरा मतलब है पूरे मुल्क में। शोबे उर्दू ने माजी में उर्दू ज़बान अदब से मुतालिक कई यादगार सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया था, जो सिलसिला बावजूद रुक गया था। हम इस अहम एकेडमिक एक्टिविटी के अहया की खातिर कोविड के दिनों में ही ऑनलाइन लेक्चर्स की सूरत में हमने इकदाम किए और गुज़श्ता महीने तक ऐसे 7 लेक्चर्स का अहतमाम किया जिनमें जईद असातिज़ा व उलमा ने मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल किया। आज हमने शोबे उर्दू के साबिक तलबा की मुलाकात का अहतमाम किया है ताकि आज की पौध अपने गुज़श्तगान को देख कर तहरीक हासिल करे। मिलन 2022 के नाम से जो हमने आपको आवाज़ दी, ये आवाज़ दरअसल आपको अपनी मादर इल्मी ने ही दी है। हमारी हैसियत सिर्फ बुलाने वाले की है। यहाँ मौजूद हर शख्स मेरी इस राय से इतफाक़ करेगा कि अपने मादर इल्मी अपने अल्मामीटर की राह हूँ और उसके निशानात को जो दिल पर साबित होते हैं को कभी बुलाया नहीं जा सकता। इंसान किसी न किसी बहाने इसे याद करता ही रहता है। बकौल फैज़ अहमद फैज़, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। हर अजनबी हमें मुहर्रम दिखाई देता है जो अब भी तेरी गली से गुजरने लगते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू हमारे उन डिपार्टमेंटों से है जिन्होंने पहल की ये एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये जो एलुमनाई मीट्स हैं बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दफ़ा हम डिपार्टमेंट से या यूनिवर्सिटी से निकले तो हमें कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहिए उस सेटअप से, उस इंस्टीट्यूट से, उस डिपार्टमेंट से जिन्होंने हमें कुछ नॉलेज दी या इस इतनी हमें एक ट्रेनिंग दी, सलाहियतें दी कि हम उस नॉलेज को यूटिलाइज़ करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए या अगर हम कहीं पे मुझे पूरा ये पता है कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू ने कितने अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस किए हैं जो इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेज में बल्कि इवन स्कूल्स में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंट हुए हैं और काम कर रहे हैं। एक बहुत ही इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे उर्दू डिपार्टमेंट का। हम सबको पता है कि उर्दू ज़बान की कितनी अहमियत है, सिर्फ हमारी कश्मीर में नहीं बल्कि ग्लोबली भी और नेशनल लेवल पे भी। मैं डिपार्टमेंट से ज़रूर चाहूँगी कि ये एटलीस्ट साल में एक नेशनल लेवल का कोई ना कोई प्रोग्राम करें क्योंकि उससे डिपार्टमेंट को विजिबिलिटी मिलती है और
एक जो है डिपार्टमेंट को अपनी एक आइडेंटिटी मिलती है जो वो काम करते हैं, और बच्चों को, रिसर्च स्कॉलर्स को एक फ़ायदा इससे मिलता है कि उनको कनेक्टिविटी होती है। आप किसी जैसे आज वो आज़ुर्दा साहब से मिले हैं, नज़ीर साहब से मिले हैं, सोपोरी साहब से मिले हैं, ये भी एक इंटरेक्शन जो ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ हो, ये भी एक इंसान इससे भी बहुत कुछ सीखता है और खुश होता है कि जब ऐसे पर्सनालिटीज से मिले। तो हमें बिल्कुल जुड़ा रहना है, हमें ये देखना कि हमारी एलुमनाई कहाँ है, वो कहाँ पे काम कर रही है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, और वो कंट्रीब्यूशन पहले तो हमने उनको उनके उनको इस मकाम पे ले गए हम कि वो एक्सपर्ट्स हैं, उर्दू के एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं या ट्रांसलेटर्स हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब इंस्टीट्यूट को वापस देना है, अपनी एक्सपर्टीज़ वापस देनी है। पहले हमने उनको एक्सपर्ट बनाया, अब उनकी टर्न है कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ हमारी यूनिवर्सिटी के वो दे, अपने डिपार्टमेंट को दे, डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहे। तो उससे जो होता है डिपार्टमेंट की विजिबिलिटी हो जाती है, और डिपार्टमेंट जो है फर्दर प्रोग्राम्स में भी आगे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक्टिविटीज़ होते रहें, प्रोग्राम्स होते रहें, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए प्रोग्राम्स हो, हमारे पीजी स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स हो, स्टाफ के लिए प्रोग्राम, सोसाइटी के लिए प्रोग्राम हो, क्योंकि वी हैव टू बी कनेक्टेड विद द सोसाइटी ऑल्सो। उसमें भी आप देखें कि एक एक्सटेंशन कॉम्पोनेंट आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ताकि रिसर्च एकेडमिक एंड एक्सटेंशन कॉम्पोनेंट हम पूरी तरह से ये ऐड करें। विद दीज वर्ड्स एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजर्स को, और हमारे जो पुराने कुलीग्स हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ इस डिपार्टमेंट में मोहब्बत के साथ आए हैं, मोहब्बत के जज्बे के साथ आए हैं, तो डट के रहिए, लेकिन याद रखिए अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मंजिलें उनको मिलते हैं जिनके दिमाग में जुनून होता है, सौदा होता है। और मैं सौदाई हूँ, बाज़ औक़ात जब लोग सुनते हैं कि मैंने, जब मैं पीएचडी कर रहा था मैंने नौकरी छोड़ दी, लोग कहते यार तुम तो बड़े साइको हो। मैंने कहा हाँ तो वो तो हूँ, मैं अदब के मामले में साइको हूँ, रात रात को बैठता हूँ, दिन में 9 घंटे काम करता हूँ, तो भैया क्या करूँ, अब मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ। तो ये जज्बा जो है ना, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि हमें यहाँ से निकल के नौकरी करनी है, तो बिल्कुल आराम से बैठिए और रटिए आप नोट 5-6 और रट के लिखिए, आपको 60-70% नंबर आएंगे और फिर आपको नौकरी मिलेंगे। यू विल बी क्वालिफाइड नॉट एजुकेटेड। याद रखिए कि आपके पास एक सनद होगी लेकिन आपके पास इल्म नहीं होगा। तो इल्म पाने के लिए जुनून की ज़रूरत होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ बताऊं, मैं 7-8 साल यहाँ रहा हूँ, खुदा की कसम यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर साहिबान मेरे असातिज़ा थे, मैं उनके घर जाकर के सुबह उनके जूते साफ करता था। विल यू डू इट? आप करेंगे नहीं करेंगे? बिकॉज आप जो हमारी जो नस्ल है ना, ये वाली नस्ल जो उस पार नस्ल बैठी है, इसमें ईगो ज़्यादा है। हमारे अंदर ईगो नहीं था। खुदा की कसम, एक दिन मुझे काजी गुलाम अहमद ने, जमान साहब, मैं अपनी आस्तीन से उनका बूट साफ कर रहा था, अचानक निकले और थप्पड़ मार दिया। दोनों नव चाहुक मैन खुद ज्यादा बूट शाही घबर हुई, चुक मैं गुनाहगार करा। मैंने नहस मीन सादत चाहिए, कभी अपने उस्तादों के सामने हमने गर्दन नहीं उठाई, कभी नहीं। ये बैठे हुए हैं हमारे दो उस्ताद यहाँ पर। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये डिपार्टमेंट फले फूले। आज मैं बहुत खुश हुआ कि एजाज साहब ने और इनके तमाम जो इनके रफ़क़ाए कार हैं, इन्होंने बिल्कुल मुख्तसर वक्त में इतनी बड़ी फंक्शन जो है इसका इनेकाद किया और इतनी कामयाब ये फंक्शन रही। खुदा की कसम मैं आज बहुत खुश हुआ। मेरी नेक ख्वाहिशात और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह रहम करे।
मैं सबसे पहले अपने साथी प्रोफेसर शेख एजाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज ये महफिल सजाई है। इसकी ज़रूरत भी थी। एक ज़माना था प्रोफेसर मजीद मुजमर साहब डिपार्टमेंट में थे, कई बार हमने सोचा था कि हम इस तरह की कोई महफिल मुनक्कर करें, लेकिन बाज़ जो कि बिना पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। देखिए ये महफिल जो है, यहाँ हम सब तालिब इल्म हैं, उस्ताद तो सभी हैं, लेकिन तालिब इल्म बनना बहुत मुश्किल है। उस्ताद सीखता है अपने तालिब इल्म से। उस्ताद जब क्लास की तैयारी करता है तो उसके जहन में उसके तलबा होते हैं, ख़ास तौर पर वो तलबा जो बहुत ज़हीन होते हैं। एक चैलेंज होता है उस्ताद के सामने कि कल मुझे क्लास लेना है तो मैं किस तरह से अपने तलबा को अपनी बात उन तक पहुँचा सकूँ। इसलिए उस्ताद हमारा सरमाया जो है, किसी भी उस्ताद का सरमाया जो होता है वो उसके तालिब इल्म होते हैं, और उसकी पहचान भी तालिब इल्म से ही होती है। और अक्सर मैंने देखा है कि इंटरव्यूज में भी ये पूछा जाता है, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में, कि आपने पीएचडी की है तो किसके अंदर में की है, यानी उसके काम का एतबार जो है वो उसके गैर से भी मुतायन होता है। मेरी अभी एक किताब आई है, एक छोटी सी किताब, मैंने उसमें भी ये जिक्र किया है कि मैंने जो कुछ सीखा है अपने तालिब इल्मों से सीखा है, वरना मेरे पास न कोई सलाहियत है न कोई काबिलियत है। मुझे मालूम था कि मुझे चैलेंजेस का मुकाबला करना है, अपने तालिब इल्म का मुकाबला करना है, उनका सामना करना है, इसलिए मुझे हर तरह से लेस होकर जाना है। प्रोफेसर शेख एजाज साहब को मुबारकबाद देता हूँ फिर एक बार। मुझे मालूम है मैं उनकी सलाहियतों का मोतरफ हूँ, मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, बहुत ही अच्छे मुदरिस हैं, मौक़िक हैं, उन्होंने बहुत काम भी किया है। यहाँ पर शोबे उर्दू की तारीख का थोड़ा सा तज़किरा हुआ, लेकिन चंद नाम रह गए। इस शोबे में बहुत सी इल्मी और अदबी शख्सियत की तशरीफ ला चुकी है, साहिर दीवानी, मजरू सुल्तानपुरी, कुरतुलन हैदर, इस्मत चुगताई, अली सरदार जाफरी, कैफी अजमी, आई के गुजराल, शमसुर्रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, ये चंद नाम हैं जो किसी न किसी तरह से हमारे शोबे से वाबस्ता है। इसलिए इस शोबे की तारीख बहुत ही शानदार है, हाल भी अच्छा है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा होगा। आज इस डिपार्टमेंट की बागडोर एक अच्छे मुंतजिम के हाथ में है, मुझे उम्मीद है कि ये डिपार्टमेंट और तरक्की करेगा। हम यहाँ उर्दू के ताल्लुक से जमा हुए, उर्दू के बारे में आपको मालूम है कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ज़बान इस सूरत में है कि ये एक हिंदुस्तान गिर ज़बान है। हिंदुस्तान की तमाम ज़बानें अपने अपने इलाकों तक महदूद हैं, लेकिन उर्दू वाहिद ज़बान है जिसका कोई एक इलाका मुतल नहीं है। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की चौथी बड़ी ज़बान है, पहले नंबर पर अंग्रेज़ी है, दूसरे नंबर पर चीनी, तीसरे नंबर पर स्पेनी और चौथे नंबर पर उर्दू। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ हमारे बैच से, यहाँ पर हमीद साहब भी मेरे साथ है,
मैं अपने उस्ताद मोहतरम जमान साहब से और नज़ीर साहब से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारा बैच था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उस बैच में से हम लगभग इस वक्त 36 प्रिंसिपल हैं हायर सेकेंडरी स्कूल। तो एक ही आदमी में हम तैनात हुए थे, ये खुशी की बात है कि लगभग इस वक्त जहाँ तक मेरा सर्वे है 40-45 हायर सेकेंडरी स्कूलों में इस वक्त उर्दू से सब्जेक्ट से जो वाबस्ता स्टूडेंट्स थे वही मतलब प्रिंसिपल बन चुके हैं मुख्तलिफ इदारों। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले कुछ सालों में जो 2008 का बैच है उसमें लगभग 100 हमारे लेक्चरर सीनियर लेक्चरर साहिबान हैं, वो 100 भी प्रिंसिपल होने जा रहे हैं। एक बात मैं अपने असातिज़ा किराम से यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि नई जो हमारी 2020 एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उर्दू के हवाले से एजाज साहब, खुसूसन आपके लिए, आप डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, उर्दू के हवाले से लैंग्वेज के हवाले से बहुत प्रोविजन रखे गए हैं। ज़रूरत इस बात थी कि हमारा जो डिपार्टमेंट है पेरेंट डिपार्टमेंट उर्दू डिपार्टमेंट, वो नई एजुकेशन पॉलिसी में उर्दू के हवाले से जो प्रोविजन्स हैं उनको स्टडी करें और अपने इन असातिज़ा को जो उनके एक्स एलुमनाई हैं स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उर्दू की बेहतरी के लिए काम करें और इस ज़बान को जो खतरात है जो मसाइल हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। एक फ़र्ज़ पाक की तकमील होती है यहाँ, एक फ़र्ज़ पाक की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ। मेरा मामला थोड़ा बरक्स इसलिए है कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट से पास आउट्स हुए वो तो या तो यूनिवर्सिटी में एडजस्ट हो गए या तो कॉलेजेस में असातिज़ा के सफ़ में शामिल हो गए। रोज़गार के सिलसिले में मेरा जो तायुन हुआ वो कल्चर एकेडमी में हुआ, लेकिन जब भी उर्दू के हवाले से बातें होती हैं तो मुझे हमेशा अपनी डिपार्टमेंट की जो यादें रहती हैं कि किस तरह हमने अपने डिपार्टमेंट में जो चीज़ें हमने सीखी, जो चीज़ें हमने अपने असातिज़ा से पाई उसको हमने अमली तौर पर अमलाने की कोशिश की। लेकिन एक बात का मैं यहाँ पे इरादा करना चाहूँगा, सिर्फ एक वाक्य पे इक्तफा करूँगा सर। जब भी हम एज़ उर्दू नोइंग जब भी किसी के पास चले जाते हैं पहला तासुर ये रहता है कि शायद ये ज़बान व अदब दुनिया व माफिया से बेखबर ही होगा। पहला तासुर अमली तौर पर यही है, सिवाय चंद के एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, बट हमेशा उर्दू के हवाले से यही तासुर रहता है कि शायद ये दुनिया व माफिया से बेखबर है। मैं आप सब से मुखातिब हूँ क्योंकि असातिज़ा तो अपना काम कर चुके हैं लेकिन आप लोगों को करना है। और अगर आज आप लोग होशियार नहीं हुए, नींद से नहीं जागे, तो यकीन करें ये मीठी बातें आपको कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। मैं इस एक शेर के साथ रुख्सत हो रहा हूँ, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज किस बात पे रोना आया। असातिज़ा किराम, तमाम असातिज़ा की मौजूदगी में मेरा कुछ यहाँ कहना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कयामत बहुत करीब है। मुझे खुशी इस बात पे हो रही है कि मैं यहाँ का एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ और ये शोबे उर्दू मेरे लिए मिसल मैका है, मालून कश्मीरी में जिसे कहेंगे। इस शोबे के साथ हज़ारों यादें वाबस्ता हैं, उन्हीं यादों के सहारे हम आज जी रहे हैं। ये वो शोबा है जिसने हमें अदब तहजीब जस्तजू का सलीका हौसला और तनकीदी निगाह दी। मुझे फ़ख्र है कि मैं प्रोफेसर मलिक साहब, प्रोफेसर कुदूस जावेद साहब, प्रोफेसर महबूबा वानी साहिबा, सुजान कौर साहिबा, मंसूर सर, आरफा बुशरा और मुश्ताक हैदर के साहब के अलावा प्रोफेसर मुजीद मुजमर साहब और प्रोफेसर फरीद परबती मरहूमीन का शागिर्द रहा हूँ। मैं कहूँगा कि आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाना हुआ, अलीगढ़, जामिया मिलिया, JNU वगैरह दीगर यूनिवर्सिटीज़ में, मगर अपने असातिज़ा की कमी मैंने हर जगह महसूस की, इसमें कोई मुबालगा नहीं है।
ये शोभा बहुत ही मुबारकबादी का मुस्तहिक है जिन्होंने ये एलुमनाई मीट मुनक़िद की, और मैं अपने बैच से जिन लोगों को आज यहाँ देख रहा हूँ इसकी मुबारकबादी मैं शोभे को देता हूँ कि इन्होंने हमें अपने बैच में हम साथियों से मिलाया। ऐवान सदारत में तशरीफ़ फरमा, ख़ास तौर पर मेरे मुकर्रम व मोहतरम दो असातिज़ा प्रोफेसर मोहम्मद जमान आज़ुर्दा साहब और प्रोफेसर नज़ीर अहमद मलिक साहब, हमने इनके सामने ज़ानोई तलम उस्ताह करके ज़िंदगी को जीना सीखा है। अदब तो सीखते ही थे, उर्दू ज़ुबान तो सीखते ही थे, लेकिन ज़िंदगी कैसे जिए ये हमने इन दो असातिज़ा से सीखा है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और इनका साया हम पर तादेर रखे। इनके मानून इनके लिए मैं ये शेर, बल्कि गालिब की कसीदे का मख्तसर और बहुत ही अहम शेर है, वो इनको मानून करता हूँ। तुम्हारी उम्र हो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। 74 साल के बाद ये अलमनी मीट हो रही है और सिर्फ़ एक दिन के लिए हो रही है। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम 7 दिन की मीट होनी चाहिए, एक दिन से क्या होता है। अलबत्ता उम्मीद है कि 1-2 साल के बाद ये शोभा, ये डिपार्टमेंट 75 साल मुकम्मल कर रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस दिन सबको फिर मिलने का मौका मिलेगा और अपने जज्बात का इजहार करने का मौका मिलेगा। उर्दू जो है ये सिर्फ़ एक ज़ुबान नहीं है, मैं उर्दू को एक तहजीब समझता हूँ। उर्दू एक तमद्दुन है, उर्दू एक तारीख है और उर्दू एक तहरीक है, बल्कि उर्दू एक आशिक की ज़ुबान है। जिस तरह आशिक नहीं मरता, इसी तरह जो भी उर्दू को पढ़ाता है, उर्दू पढ़ता है, वो भी नहीं मरेगा। ये बात आप याद रखिएगा। बस ये बात है कि आप उर्दू के साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हों और उर्दू की बका के लिए आप काम करते हों। शुक्रिया। पहली बार शोबे में साबिक तलबा जो है उनकी किसी मुलाकात का एहतमाम किया गया, इसके लिए मैं अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों से सदर शोबे उर्दू शोबे के जो असातिज़ा साहिबान हैं और जो गैर तदरीसी अमला है उन तमाम को शुक्रिया करती हूँ और उन्हें इसके लिए मुबारकबाद भी पेश करती हूँ कि उन्होंने इस मजलिस का एहतमाम किया। शोबे से मेरा ताल्लुक 2002 से है। 2002 में मेरा शोबे में एमए में एडमिशन हुआ। बहुत सी हसीन यादें हैं जिन्हें यहाँ बयान करना मुमकिन नहीं है। मैं अपनी जो बहुत सारी यादें शोबे से वाबस्ता है उसमें एक मैं कहूँगी एक अजीब सी याद है जो मुझे आज भी बार बार जब याद आती है तो ख़ुद पर हंसी आती है मुझे, कि जब शोबे में बाज़ल्ता तौर पर हमारी एमए की जो दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया गया, मैं रैगिंग के डर से पहले 1 महीना शोभा नहीं आई कि जब तक रैगिंग ख़त्म होगी उसके बाद मैं शोभा ज्वाइन कर लूँगी। और फिर जब मैं शोभे में आई, वाकई रैगिंग में क्योंकि कॉन्टैक्ट में थी जो यहाँ पढ़ते थे, उन्होंने बताया कि अब आप आइए, अब डर की कोई बात नहीं है। वाकई वो 2 साल हर किसी की ज़िंदगी के एक टर्निंग पॉइंट होते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँगी कि मेरा एडमिशन इंग्लिश में भी हुआ था, जो मुझसे पहले भी बहुत सारे हाजरीन ने यहाँ बताया, मेरा भी एडमिशन इंग्लिश में भी हुआ, उर्दू में भी हुआ और एजुकेशन में भी। मेरे वालदेन की दिली ख्वाहिश थी मैं कि एमए इंग्लिश करूँ, मगर मेरी अपनी ज़िद थी कि मैं एमए उर्दू करूँ, और किसी तरह मैंने अपने वालदेन को कायल कर लिया और मैं एमए उर्दू करने के लिए आई। वाकई वो 2 साल मेरी ज़िंदगी के वो माजी के 2 साल साबित हुए जिन्होंने मेरे हाल, मेरे मुस्तकबिल और मेरे हाल दोनों को शानदार और कामयाब बना दिया। मैं उसके लिए अपने मौज़ूद असातिज़ा साहिबान जिन्होंने हमारी किरदार साजी की, हमें तालीम और तरबियत की, कि ऐसी तालीम और तरबियत की जब नज़ीर साहब क्लास में आते थे, जमान साहब उन दिनों जो आर्ट्स ब्लॉक का वो टॉप स्टोरी है उसका जो आखिरी छोटा सा कमरा है वहाँ पर तशरीफ़ रखते थे, तो इनकी उस तरबियत ने या इनकी शख्सियत ने हमारी ऐसी तरबियत की कि आज हम भी कहीं पर खड़े हैं और आज हम भी फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारी तालीम और तरबियत किन मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा साहिबान के हाथों हुई है। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए ये शेर आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ, जो शायद सभी आप जानते होंगे कि जो आपने सुना है कि याद माजी अजाब है यार छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, मगर मैं जब भी इस शेर को दोहराती हूँ मैं कहती हूँ याद माजी सरमाया है यार
मजबूत से मजबूत तर हाफिज़ा मेरा।